बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर प्रकाश झा आजकल काफी ज्यादा टेंशन में चल रहे हैं और उनकी टेंशन की वजह उनकी नई वेब सीरीज आश्रम है। इस बीच सीरीज में लीड रोल में बॉबी देओल नजर आने वाले हैं, लेकिन ट्रेलर रिलीज से पहले ही इस सीरीज ने प्रकाश झा को टेंशन में डाल दिया है। पूरा माजरा क्या कुछ है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अपनी फिल्मों के टॉपिक को लेकर हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर प्रकाश झा एक बार फिर अपनी नई वेब फिल्म आश्रम को लेकर चर्चा में आ गए हैं। जय गंगाजल, सत्याग्रह, चक्रव्यूह, आरक्षण, राजनीति जैसी सोशल इश्यूज पर बनी फिल्में बनाने वाले प्रकाश झा अक्सर कॉन्ट्रोवर्सी में घिर जाते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी से बिना डरे वो अपना काम पूरी तरह शिद्दत से करते चले आ रहे हैं। लेकिन इस बार ओटीटी पर रिलीज हो रही फिल्म आश्रम को लेकर प्रकाश झा काफी टेंशन में आ गए हैं। दरअसल आश्रम को बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक पर बनाया जा रहा है। सीरीज में उन धर्मगुरुओं और बाबाओं के बारे में दिखाया जाएगा जिन्होंने आस्था के नाम पर लोगों को ठगा है, लेकिन हमारे देश में संत और साधुओं का काफी सम्मान रहता है, तो ऐसे में किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए पहली बार प्रकाश झा ने अपनी सीरीज के ट्रेलर रिलीज से पहले ही एक डिस्क्लेमर जारी कर दिया। सविनय निवेदन, हम सभी धर्म गुरुओं एवं उनकी स्थापना का नतमस्तक सम्मान करते हैं। अपने देश में मान्य एवं प्रचलित सभी धर्म पंथ विचार संस्कृति एवं परंपरा हमारी धरोहर हैं और हमें उन पर गर्व है, लेकिन यदा कदा इस गौरवशाली धरोहर का कुछ लोग विकृत प्रयोग कर समाज के भोले भाले विश्वासी लोगों का शोषण करते हैं और हमारे पूज्य सच्चे एवं सम्माननीय धर्मगुरुओं की महान स्थापना को दूषित कर उन्हें बदनाम करते हैं। आश्रम की ये काल्पनिक कहानी इसी विषय पर। जी हाँ, यूट्यूब पर एक मिनट का डिस्क्लेमर शेयर किया है। बताया गया है कि सीरीज का मोटिव किसी भी धर्म या फिर उससे जुड़े साधु संतों को अपमानित करने का नहीं है, बल्कि ये सीरीज उन लोगों को उजागर करेगी जो धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं और समाज में जहर घोलते हैं। सोशल मीडिया पर डिस्क्लेमर खूब ट्रेंड कर रहा है। अब ये तो फिल्म का ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म विवादों में घिरेगी या नहीं। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि प्रकाश झा के डिस्क्लेमर का लोगों पर कितना असर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।